फ्रेंड्स, सुधा की रसोई में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ठंडी में मिलने वाली सेम की फली की सब्जी, जो बहुत ही हेल्दी भी होती है और बहुत ही टेस्टी भी बनती है। तो इसमें किन चीज़ों की आवश्यकता है, ये कैसे बनाई जा सकती है टेस्टी, तो आइए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो चलिए शुरू करें। सेम की फली की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ सेम की फली, जो इस तरह से होती है। और इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके साथ लिया है मैंने दो मध्यम आकार के आलू, जिन्हें इस तरह के छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और इसे पानी में डाल दिया है ताकि ये काले ना पड़े। और इसको काटने के लिए इसके हमें पहले रेशे निकालने होते हैं, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से दोनों तरफ से, इस तरह से चाकू से बहुत ही पतले, ये देखिए इस तरह से रेशे निकलते हैं। तो इसको निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो अगर आप ऐसे ही बनाएंगे तो ये पकने के बाद अपने आप निकलते हैं और वो मुंह में आते हैं, जो अच्छे नहीं लगते हैं। और फिर मैंने इस तरह से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। एक बार मैं फिर दिखाती हूँ आपको रेशे निकालते हुए। ये देखिए, इस तरह से कॉर्नर से कट करें थोड़ा सा और फिर ऐसे खींच लें, ये रेशे निकल जाते हैं। और दूसरी साइड से भी ऐसे करें, ऐसे, और फिर इसे काटना शुरू करें। तो मैंने इतना काट के रख लिया है, ये 250 ग्राम के लगभग मैंने काट के रखा है। तो 250 ग्राम के अमाउंट में मैं सेम की फली की सब्जी बना रही हूँ। तो ये हो गया हमारा सेम और आलू। इसके साथ और चीज़ें क्या पड़ेंगी वो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिया है मैंने एक छोटे आकार का प्याज, जिसे बारीक काट लिया है। और साथ में लेंगे हम अदरक और लहसुन, जिसे मैंने बहुत ही बारीक छेद वाले से ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। तो वो 1 इंच के लगभग अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने ग्रेट किया है, और 5 से 6 लहसुन की कलियां थी जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। और लास्ट में गार्निशिंग के लिए हम लेंगे धनिया पत्ता कुछ, और इसमें पानी ले रही हूँ मैं 1/2 कप का, 1/2। और ये ऑयल लिया है 2 से 2.5 टेबल स्पून। और मसालों में ले रही हूँ मैं, नमक लें स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर लें 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है जिसे 1/2 छोटे चम्मच से थोड़ा कम लें, और 1/2 छोटा चम्मच से थोड़ा कम। तड़के के लिए मेथी के दाने ले लें। तो आइए शुरू करते हैं आगे का प्रोसेस। सबसे पहले गैस ऑन कर लेते हैं और एक कुकर रख देते हैं। इसे मैं कुकर में बना रही हूँ और ये ड्राई सब्जी बनेगी, और ये 1 से 2 विसल आने तक ये सब्जी तैयार हो जाएगी फटाफट। तो कुकर को गर्म होने देते हैं। कुकर गर्म हो चुका है, इसमें ऑयल डाल देते हैं पहले, सरसों का तेल। तेल थोड़ा सा गर्म होने दें, 2 से 2.5 टेबल स्पून इसमें सरसों का तेल ऐड करें। गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम हाई पे कर दें ताकि तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें सबसे पहले हम मेथी का दाना ऐड करेंगे। मेथी का दाना थोड़ा सा चटक जाए तो इसमें हम फिर प्याज ऐड कर दिया है मैंने। प्याज को थोड़ा सा सोते होने दें, गैस का फ्लेम सिम पे कर दें। प्याज थोड़े से सोते हो जाए, ट्रांसपेरेंट लुक में आ जाए, नरम हो जाए, तो इसके बाद हम अदरक और ये कद्दूकस किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें इसको, थोड़ा सा ये सौते हो जाए अदरक और लहसुन के ग्रेट किए हुए पेस्ट के साथ, और गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम हाई पे कर लें और 1/2 मिनट तक इसको सौते होने देती हैं। इसके साथ ये हरी मिर्च भी ऐड कर लें और इसके साथ मिक्स कर लें। तो 1/2 मिनट थोड़े सौते हो चुके हैं। अभी सबसे पहले हम इसमें हल्दी ऐड कर देते हैं और ये धनिया पाउडर, इसको एक साथ अच्छे से मिक्स कर लें। मसाले थोड़े से भून चुके हैं 1/2 मिनट के लिए। अभी हम इसमें आलू ऐड करेंगे, इसका पानी निकाल दिया है मैंने। आलू को अच्छे से चलाते हुए मसाले के साथ मिक्स कर लें, और इसके साथ जो सेम की फली है इसको भी ऐड कर लेंगे हम।
और इसको भी सब्जी के साथ अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लें चलाते हुए। इसको अच्छे से चला के मैंने मिक्स कर लिया है और मीडियम हाई फ्लेम पे इसको थोड़ा सा चलाते हुए 1 मिनट तक सब्जी और ये सेम की फली और आलू को भून लेते हैं। तो इसी मीडियम हाई फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए मैंने इसे भून लिया है और अभी हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देते हैं। गरम मसाला आप थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेवर पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसको भी डालें ज़रूर, क्योंकि ज़्यादा तीखा नहीं होता है लेकिन इसमें सब्जी का कलर अच्छा आ जाता है। और नमक ऐड कर लें स्वाद के अनुसार। और अभी ये जो हाफ कप का हाफ पानी ये ऐड कर रही हूँ मैं, और अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लें चलाते हुए ऊपर से नीचे। पानी डालने के बाद स्टीम के साथ जो सेम की फली का अरोमा निकल के आया है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये पानी हमने डाल दिया है थोड़ा सा, तो इसमें 1 से 2 विसल आराम से आ जाएगी, सब्जी पक जाएगी और आपकी ड्राई सब्जी सेम की फली की तैयार हो जाएगी। तो गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम हाई पे कर लें और इसका ढक्कन लगा दें और ढक्कन लगा के गैस का फ्लेम मीडियम हाई पे रखें और इसे 2 विसल आने तक पका लें। और 2 विसल आने के बाद इसे हम टर्न ऑफ कर देंगे और कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे। तो इसे हम देख लेते हैं आगे। ढक्कन लगाने के बाद आप तुरंत थोड़ा सा चेक कर लें कि आपकी विसिल बन गई। देखो ये विसिल बन गई है, तो आपकी विसिल बन जाए ये चेक कर लेना ज़रूरी है, नहीं तो पानी थोड़े के साथ आपका विसिल नहीं बना और पानी सूख जाएगा तो विसिल नहीं लगेगी। तो तुरंत विसिल बन जाए उसका ध्यान रखें आप। तो ये दूसरी सीटी आ चुकी थी, तो अभी गैस टर्न ऑफ कर दें और कुकर को अपने आप ठंडा होने के बाद हम कुकर का ढक्कन खोल के देखेंगे। तो कुकर का विसिल निकल चुका है, खोल के देख लेते हैं। ये देखिए सब्जी पूरी तरह से तैयार है, आलू भी पक चुके हैं, सेम की फली भी पक चुकी है और इसमें अभी हम धनिया पत्ता ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा बचा लेते हैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए। और धनिया पत्ता मिक्स करने के बाद इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपकी रेसिपी कैसी बनी, आपको कैसी लगी, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।